It's time for women's 48 kilogram wrestling here at Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up. Coming up, representing the Haryana Hammers, she is from India. Please welcome Nirmala Devi. Right here at Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up. It's time to meet the wrestler from Rivanta, Mumbai Garuda. She is from India, representing the team, Ritu Foga. ऋतु फोगाट रेवांता मुंबई गरुड की तरफ से मैदान में उतरती हुई। बिल्कुल, यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि ऋतु ने अलीसा लैम्पे को हराया था और बाई फॉल से हराया था। एक गजब की प्रतिभावान युवा खिलाड़ी हैं। आने वाले समय में इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं देश को। और निर्मल को भी मानो खुराक मिल गई, पिछला मैच वो जीती, वो हार के ब्लॉक होके, तो ऐसा नहीं है, दोनों उफान पे हैं, दोनों चढ़त पे हैं। बोथ गर्ल्स इन द एसेंडेंसी। याना रेटिगन को हराया था इसके पिछले मैच में, निर्मल देवी ने एक बड़ा उलटफेर किया था। और जगदीश तब बीमार भी थी, साथ साथ बुखार चल रहा था उन्हें, उसके बावजूद जीत दर्ज की थी। रेसलिंग में पता नहीं लगता सज्जा कौन है खब्बा, लेकिन निर्मल को देखता हूं तो पता लगता है खब्बू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कीर्ति नेगी ट्वीट करते हुए कि इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड अ गेम इन पीडब्ल्यूएल जहां पर कोई फोगट सिस्टर ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, क्या जबरदस्त इंस्पिरेशनल फैमिली है। और इसी वजह से फोगट बहनों के ऊपर एक मूवी भी आने वाली है अगले साल में, चर्चा है गलियारों में, गलियों में, कोनों में, चौपारों में, फोगट सिस्टर्स। जो नाम देता है ना भगवान, किसी को कीर्ति देता है, यश देता है, उससे बड़ी दात कुछ नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, गुड नेम इज वर्थ ऑल द रिचेस इन लाइफ, इससे बड़ी संपदा कोई नहीं। खानदान पहचाना जाता है पांच बहनों से। बिल्कुल, नाम में, सम्मान में सब कुछ छिपा है, क्योंकि नाम से आदमी आगे जाना जाता है। और यहाँ पर ये नाम और सम्मान की लड़ाई खास दाव पे लगी हुई है। अधम किस्म के लोगों को रोटी कपड़ा मकान की चिंता रहती है, मध्यम किस्म के लोगों को मृत्यु का भय रहता है, लेकिन उत्कृष्ट लोगों को, ऊंचे लोगों को अपमानित होने का भय रहता है। दाव पूरी तरह से लगा हुआ साख। अभी प्रेशर निर्मल के ऊपर, क्योंकि उनको 30 सेकंड के अंदर अंदर स्कोर करना है। हिदायत दे दी थी जोंग दाउन ने, रेफरी ने, कि आप पैसिविटी दिखा रही हैं, स्कोर करिए, नहीं तो अंक पेनल्टी के रूप में ऋतु फोगाट को मिलेगा। और हरियाणा को कुछ करतब करना होगा, क्योंकि ट्रेलिंग है हरियाणा, एक फाइट हार चुके हैं, 3-2 पीछे है। अगर ये फाइट हार गए तो फिर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और इसी बीच एक अंक दे दिया गया पैसिविटी के तहत, पिनलाइज करी गई निर्मल, और एक अंक ऋतु फोगाट के लिए। और यहाँ पर निर्मल को कोशिश करनी होगी, अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाना होगा। आज निर्मल लग नहीं रही, निर्मल विचलित लग रही है और थोड़ी हड़बड़ाहट लग रही है, और सामने वाला शांत लग रहा है, ऋतु बिल्कुल शांत स्थिर। और यहाँ पर मैटमेट के पकड़े हुए और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है निर्मल, और यहाँ पर लगातार रेफरी ब्लू को यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। और अब पैसिविटी टाइम ऋतु के खिलाफ आता हुआ, क्योंकि लगातार इंगेज नहीं कर रही थी होल्ड के अंदर, अब उन्हें स्कोर करना होगा जल्द से जल्द। ये दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब निर्मल के पास मौका है थोड़ा सा डिफेंसिव होने का। 30 सेकंड है और निर्मल ने मौका गवा दिया या नहीं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और ये अपने ही दांव में फंस गई और 2 पॉइंट गवाए। निर्मल वापसी करती हुई, धुआंधार वापसी, फिर बांधने का प्रयास, लेकिन चेष्टा है कि रोल कर जाए।
यही प्रेशर करता है आपसे, गलती करवाता है, और वही गलती की यहाँ पे रितु फोगाट ने। जानती थी समय निकल रहा है, स्कोर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और अपना आपा खोया, आखिरी क्षणों में यहाँ पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। 2-1 से आगे निर्मल देवी, और इस मुकाबले का दूसरा राउंड अब शुरू होता हुआ। दिलचस्प है क्योंकि निर्मल देवी लेफ्ट हैंडेड है, साउथ पॉ है, मुकाबला करती हुई रितु का, और जगदीश कितना मुश्किल हो जाता है खिलाड़ी के लिए, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इस समय जबरदस्त बचाव निर्मल द्वारा, अच्छी कोशिश थी रितु द्वारा, अच्छा बचाव निर्मल द्वारा। यहाँ पर देखिए कुश्ती जो है सारी पैरों पर टिकी हुई है, पैरों का बैलेंस, जैसे फ्री स्टाइल रेसलिंग, जब आपका विरोधी पहलवान दूसरे पैदरे से लड़ रहा होता है तो बड़ी मुश्किल जाती है, और यहाँ पर बेनिफिट है निर्मल को क्योंकि वो यहाँ पर दूसरे पैदरे से खेल रहे हैं, तो रितु के लिए मुश्किल है पॉइंट स्कोर करना। हर गेम में चाहे क्रिकेट हो चाहे रेसलिंग हो, और ये टांगों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास था, पछड़ गई, और ये जो काउंटर अटैक है इसमें बहुत निपुण है निर्मल, और जबरदस्त एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दोनों रेसलर, और ये लगभग होना सकता है, भाई फूल का खतरा, कुकू बोल रहा है खतरे का, क्या बचा पाती है, और बचा गई, लेकिन दो पॉइंट लूज करेंगी या नहीं, कर गई, दो पॉइंट दे दिए, और अब फिर हरियाणा ऊपर मुंबई नीचे, उलट फेर होता हुआ, ये जबरदस्त, जैसे पॉइंट आ रहे हैं वैसे ही जल्दी जल्दी जा भी रहे हैं। चोटिल हैं निर्मल, याद रखिए जब पहले राउंड के अंदर पैंतरा लगाया था तो लिप पर कट लगाया उनके, उससे भी जूझ रही है, चोट से जूझ रही है इस समय। एक अंक और की मांग, अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखती थी इस वक्त कट नहीं नजर आ रहा उनको, इस वक्त तो चितपट नजर आ रहा है। एक अंक और यहां पर मिलता हुआ निर्मल देवी को, पैसिविटी दिखा रही थी रितु, उसका खमियाजा भुगता, तो स्कोर अब 5-4, केवल एक अंक की बढ़त है रितु के पास। कांटे की टक्कर देखिए, एक शानदार मुकाबला, दर्शकों के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, यहाँ पे किस तरह की कुश्तियां देखने को मिल रही है प्रो रेसलिंग लीग में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसे रोमांचक मुकाबले जो कि आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देखने को नहीं मिलते हैं। सलाम है यहाँ पर रेसलिंग फेडरेशन को और प्रो स्पोर्टिफाई को, कार्तिकेय शर्मा को, पहली बार एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाए पूरे विश्व स्तरीय रेसलर्स का, जिसकी बीनी बीनी खुशबू चारों तरफ फैल गई है, और ये फिर से दांव लगाया रितु ने, क्या संभाल पाएंगे या नहीं, ऊपर नीचे पलड़ा छूलता हुआ, सुई के कांटे की तरह इधर से उधर उधर से इधर, ये हो क्या रहा है गुरु, कोई अंक नहीं स्कोर हो रहा, ये तो बिल्कुल तय है, पैतरे सबने लगाया लेकिन पॉइंट किसी को नहीं मिला, इतना कुछ करने के बाद भी जीरो, बिल्कुल का हीरो। ओह, केवल 20 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के, सबने पैतरे लगाए, निर्मल ने भी, लेकिन जबरदस्त बचाव रितु का, और किसी ने कोई अंक नहीं स्कोर किया, एक अंक की बढ़त है रितु फोगाट के पास, और ये एक अंक मुंबई को आज जीत दिला देगा। पल में खेल बदलता है, वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादों को वजीर बना दे और शाहजादों को फकीर बना दे, तो पल रह गए 5-4-3-2, खत्म, काम तमाम, खटे काम बिल्कुल तमाम, क्योंकि ना सिर्फ रितु फोगाट ने एक अंक से जीत दर्ज करी है, बल्कि रितु फोगाट ने इस जीत के साथ मुंबई को एक अविजय बढ़त दिला दी है, 4-2 की बढ़त, और यह भारतीय रेसलिंग का उज्जवल भविष्य है। आज रितु बिल्कुल स्माइल करना छोड़ नहीं रही, जिता दिया आपने मुंबई को। जी जरूर, हमारी जो टीम की जो मतलब सभी टीम हार्ड वर्क कर रहे थे, हमें पता था कि हम सेमीफाइनल फाइनल में विनर होंगे, तो हमारी पूरी टीम का, हमारे कोचेज का, सबका सपोर्ट है इस जीत में। तो वहाँ पे खेलते हुए निर्मल देवी के साथ कैसा लग रहा था कि आज मैं कुछ भी करूँ और जीती जाऊँ? जी वो मेरे से सीनियर थी तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, थोड़ा बहुत नर्वस थी मैं, लेकिन कोच ने उसकी जो कमजोरी थी वो मुझे बताई थी, जिसकी वजह से मैं जीत गई। एक मुश्किल सवाल पूछती हूँ, विनेश या गीता, आपकी फेवरेट कौन है? गीता। क्यों? क्योंकि वो सीनियर भी है, सबसे बड़ी है, और उनमें एक्सपीरियंस सब कुछ, वो मतलब पापा माँ सिस्टर फ्रेंड सारी भूमिका वो निभाती है, इसलिए। तो ये भी बता दीजिए आपकी टीम में सबसे अच्छी बात क्या है?
हमारी टीम एकजुट होकर सभी हार्ड वर्क करते हैं, हमारी टीम में जो एकजुटता है वही सबसे अच्छी बात है।